हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। गाइस, ये सेंटर लाइन प्लान है, इसके ऊपर अभी मैंने वीडियोस बनाया है पूरा डिटेल में। इसमें मैंने सब कुछ, कॉलम का ओरिएंटेशन, कॉलम लेआउट प्लान, सेंटर लाइन प्लान कैसे होता है, उसका रीडिंग कैसे करते हो, मैंने एक्चुअली साइट प्रैक्टिस स्केच ही रहती है। ओके, साइट इंजीनियर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें सब कुछ डिस्कस किया है। तो गाइस, आज हम सेंटर लाइन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी साइट इंजीनियर के लिए ज़रूरी होता है। उसका जो लेआउट प्लान है वो कैसे करते हैं, कॉलम के लेआउट प्लान को सेंटर लाइन प्लान कैसे रीड किया जाता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एक कॉलम सी टू का ओरिएंटेशन है, इसका जो मेन पॉइंट है सी टू, इसका साइज 300 बाय 750। इसका जो कोऑर्डिनेट है कैसे दिया मालूम है आपको, देखो सी वन, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 पॉइंट पे, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखा है वो आज हम देखेंगे। तो ए सी टू है हमारा, इसका जो 150 mm से लेंथ, 150 mm उसका सेंटर लाइन है, यानी कि कॉलम है पूरा हमारा 300 mm का, और उसका आधा किया तो 150 इसके सेंटर लाइन आ जाएगा वो। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाए तो सी टू 300 mm है, यानी कि 150 का हाफ किया तो इसका सेंटर लाइन आ जाएगा हमारा 300 mm। और ये हमारा C2 और C32 कॉलम है, ये एक ही लाइन में है, ये C2 और ये वाला C32। ओके, साइज सेम है। और एक बात, इसके पहले हम कॉलम का जो ओवरऑल डिस्कशन है, ओवरऑल लेआउट है, वो डिस्कस करेंगे हम। ये पूरा प्लान है, ये सिमेट्रिकल है, आपको पहले प्लान पढ़ना आना चाहिए, पूरा प्लान ओवरऑल देखेंगे तो सिमेट्रिकल कॉलम है। जैसे कि ये C3 कॉलम, इसका सिमेट्रिकल है, ये वाला C5, ये वाला C6 कॉलम सेम है एज पर C3 कॉलम, और उसके साइजेस भी सेम है, 230 बाई 830, इसका 230 बाई 830, इसका 300 बाई 1200, इसका 300 बाय 1200 सेम है, C5 C4 C5। C1 कॉलम यहाँ पे दिया है सेंटर में, C1, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे दिखाई देंगे, C1 ए 19 मीटर है यहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से, ओके स्टार्ट पॉइंट से 19 मीटर है एज अ एक्स कोऑर्डिनेट, एंड एज अ वाई कोऑर्डिनेट वो होगा C1 300 mm सेम, यानी कि अपनी साइज कॉलम की 600, इसका सेंटर लाइन किया तो हाफ किया तो 600 का 300 हो जाएगा वो। ओके, इसी तरह हमारा C1 और C16 कॉलम सेम है, ये वाला C1 और C16 सेम है, इसका साइज सेम है। फिर इसके बाद यहाँ आने के बाद ये C5 और हमारा C44 और C44 और इसका साइज है 1050, और ये सेम है एज पर हमारे C43 से। ओके, इसका साइज 300 बाय 1050 mm है, और ये C41 वाला कॉलम सेम है C44। हमारा सब सिमेट्रिकल प्लान है, जिसे हम डिस्कस करेंगे कि प्लान को आपने हाफ किया, यहाँ से हाफ सेंटर लाइन से कट किया, यहाँ से आपने तो ए वाला और ए वाला सेक्शन सेम है, सिमेट्रिकल है हमारा। ऐसे पढ़ेंगे तो प्लान हमको बेहतर, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात, ए वाला सेंटर से इस सेंटर में कट किया हमने, और ए वाला सेक्शन और ए वाला सेक्शन सेम है। ओके, यहाँ पर एक 2 BHK फ्लैट है,
2 BHK, यहाँ पर 2 BHK, यहाँ पर 1 BHK एडजस्ट किया है, यहाँ पर 1 BHK, और यहाँ पर सेम 2 BHK, 2 BHK। इस तरह हमारे को प्लान अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसकी प्रिंट निकाली, इसलिए इस प्लान पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा प्रिंट है हमारे पास, आपको ये समझने से मतलब है, समझना आना चाहिए आपको, प्लान रीड करना आना चाहिए। इसके लिए मैं दिखाई आपको बता रहा हूँ। ओके, अगर इसी 12 का आपने कॉलम का कोऑर्डिनेट निकाले तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा C12 115, यानी कि 230 mm का हमारा कॉलम में, और इसका 230 by 1500, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आ गया 115 mm, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से C12 यहाँ से यहाँ तक वो आया 3800, यानी कि 0 पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमारा 3800 mm होता है। ओके, इस पहले तो आप एक कंसिडर करो, इसको पॉइंट को 0 0 कंसिडर करो, इस डायरेक्शन को एक्स एक्स कंसिडर करो, और इसको वाई कंसिडर करो। ओके, इस तरह आपको सभी कोऑर्डिनेट कॉलम के मिल जाएंगे। आज आप रैंडमली कौन सा भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, यानी कि आपने C15 लिया, चलो C15 लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकलना है तो आप वो C15, C8, C25, ये चार कॉलम एक ही लाइन में, ये वाले ये पूरी लाइन निकाली दी जाए तो वो चार ही कॉलम हमारे एक ही लाइन में, इसलिए इसका एक ही डिस्टेंस आ गया जो है 11025 mm, और इसका हमको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये वाला C15 देखेंगे इस लाइन में कहाँ तक मिलता है। C15 और C70 हमारे दोनों कॉलम एक ही लाइन में है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट C15 और C17 ना, C15 हो गया और C17 ए वाला C17 ए वाला और C15 एक ही लाइन में, जो कि डिस्टेंस है 39050। और इसके बारे में और एक डिस्कशन, हमारा जो लिफ्ट कॉलम है, ये देखो लिफ्ट कॉलम LC1 LC2 LC3 LC4, ऐसे एयर वाले जैसे हम लेते, आगे आने वाले वीडियोस में वो हम डिस्कस करेंगे। इसका साइज़ है 230 by 750, 650। ओके, ये जो अटैच किया है हमने ए वाला लिफ्ट और ए वाला लिफ्ट बीच में, और एडजस्ट किया है एक कॉलम बीम ए, यानी कि ये फ्रेमिंग दिख रहा है आपको कैसा मैनेज किया वो सब लोड, इसका लिफ्ट दोनों लिफ्ट दोनों स्टेयरकेस एडजस्ट किया हो लोडिंग की वजह से, और हमको कंफर्टेबल भी है। ओके, इसका जो ओरिएंटेशन है, इसका जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है LC2 का, आज हम देखेंगे LC2 बोले तो LC2 एंड LC4 का सेम है, जिसका 21 मीटर 0.465 mm है, और LC1 और LC3 का भी सेम है जो कि 15985 mm है, LC1 LC3, और इसका हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिला जाए तो LC1 का है 325, LC2 का है 300, यानी कि 600 / 2 और 650 / 2 इसका जो सेंटर लाइन लिया है इस कॉलम का। ओके, अगर